इस जगह पे आपका अपॉइंटमेंट चेक हो रहा है, आगे चेक करके फिर वो दूसरी लाइन में भेजेंगे जहाँ पे आप, वहाँ से लाइन से देख के वो इधर आपको यहाँ भेज देंगे। यहाँ पहले से ही ग्रुप बैठा हुआ है, अब हमें यहाँ बिठाया जाएगा, पहले ये लोग जाएंगे। जैसे ही हम अंदर आएंगे ये शॉपर मिल रही है यहाँ पे कि आप जूते इस शॉपर में रख लें, तो हमें यहाँ बिठा दिया बिल्कुल उधर उसके पास, इसी गेट से जाना है हमें अंदर। अभी लोग आके बैठेंगे अंदर इसी जगह पर, उसके बाद आगे वाले खाना भरेंगे, उसके बाद पहले वो लोग जाएंगे फिर हमारी भरी है। और रोज़ा रसूल यहाँ पे, यहाँ से लोग सलाम करके बाहर निकल लें, तो अभी हम जब यहाँ से जाएंगे अंदर नफिल पढ़ने उसके बाद वहीं से निकल के बाहर जाएंगे इंशाल्लाह। सो गया था अभी मैं, अभी टाइम चला आया था बिल्कुल टाइम पे, बोली आँख मेरी 56 पे, भाग भाग के आया होटल से, उनका शायद ऑर्डर आया उनको कि बस अब रेडी हो, इस रेडी हो रहे पापा ये इस ग्रुप में, इसके बाद खड़े की बारी आने वाली है अल जन्ना में जाने के लिए। वो अभी ग्रुप आया, वहाँ पे पापा बैठे हुए, अभी मैंने देखा वहाँ पे बैठे हुए, तो हम लोग यहाँ से जाएंगे अंदर, किसी वक्त बस गेट खोल देंगे अभी यहाँ से, तो हम निकलेंगे। लाइन से जा रहे हैं, हमारे ग्रुप की बारी आ गई। यहाँ पे जब जैसे ही आप आएंगे आपको माशाल्लाह जमजम दिया जा रहा है। ये मकाम जो है ये साफ़ सफा है, साफ़ सफा, और ये रोज़ा रसूल है, और ये जो है ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये एरिया जो है ये है पूरा रियाल जन्ना, ये है पूरा रियाल जन्ना, पूरा रियाल जन्ना है माशाल्लाह। ये आते हुए हमें अंदर जमजम मिला, ये रोज़ा रसूल है, ये जन्ना माशाल्लाह। यहाँ इमाम आजकल नमाज़ पढ़ाते हैं, और अभी लोग अंदर आ रहे हैं, देखें जल्दी से नफिल पढ़ते हैं इंशाल्लाह, फिर आपको अब फिर हम यहाँ से बाहर जा सकते हैं सलाम करके बाहर, फिर फजर के लिए बैठे। ये रोज़ा रसूल है बिल्कुल बराबर, यहाँ पढ़ाते हैं नमाज आजकल, ये रियाज जन्ना है पूरा, ये पिलर्स पे लिखा हुआ है ये रियाज जन्ना। يلا بشاب على طول رشا على طول رشا
अल्हम्दुलिल्लाह हम वहाँ से गए थे पूरा और यहाँ से सलाम करके बाहर आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा टाइम तो निकल गया था, बस अल्लाह ताला ने मौका दे दिया और अल्हम्दुलिल्लाह होके आ गए। अब फजर की नमाज पर बैठ के रहेंगे। तो मेरे हिसाब से जो इन्होंने ये किया हुआ है ना, यहाँ से लाइन जाओ, वहाँ बैठो, फिर वहाँ जाओ, ये आपको बुरा तो ज़रूर लग रहा होगा। लेट भी होता है, लंबा भी होता है और थोड़ा सा यहाँ पे लाइन में मसले भी बहुत करते हैं वो लोग। मगर एक तरह से अंदर जब मैं गया रियाज जन्नत में नमाज़ पढ़ने के, वहाँ पर बहुत सुकून था। मतलब वो पहले आपस में लोग बोल रहे हैं यार जगह दे दो, ये दे दो, वो दे दो, ये सब नहीं था। सुकून से पढ़ रहे थे जो जो, वो पढ़ के सलाम करते थे और निकल के आ जाते थे। इससे मैनेज तो हो गया है बहुत, मगर ये है कि पहले शोर भी हो रहा होता था, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अब ऐसा नहीं है, अब बेहतर है। देखें माशाल्लाह से हरम कितना पूरा खाली है माशाल्लाह से। जो पुरानी एरिया पे जा रहे हैं वहाँ पे इंशाल्लाह से फजर अदा करेंगे, उसके बाद नाश्ता वाश्ता बाद में देखें। पहले ये तो कर लें, अभी तो बहुत टाइम है, अभी तहज्जुद हुई है। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर आपसे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फजर की नमाज़ हो गई, अब हम जा रहे हैं जन्नतुल बकी। इंशाल्लाह जन्नतुल बकी जाते हैं, फिर आपसे आपको वहाँ दिखाता हूँ थोड़ा सा, फिर जाएंगे नाश्ता करेंगे। भूख लग रही है बड़ी, खाना भी नहीं खाया तो दिल नहीं चाह रहा था रात को खाना, इसलिए आप पहले जन्नतुल बकी जाते हैं क्योंकि बंद हो जाएगी एक घंटे बाद। जन्नतुल बकी जो है वो फजर के बाद एक घंटे खुलती है और असर के बाद एक घंटे। हाँ जनाजा हो तो उसके साथ जो जो लोग चले गए वो चलेगा, मगर नॉर्मल लोगों के लिए जो है विजिट के लिए वो जुम्मे फजर के बाद एक घंटा और असर के बाद। जन्नतुल बकी की ज़ियारत हो गई है, नीचे उतर गए। पापा को तो ढूंढ नहीं सकते यहाँ पे और ना इतना बैलेंस है अभी, तो अब होटल ही चलते हैं, वहीं हो सकते हैं वहीं मिल गए। अगर यहाँ मिल गए तो अच्छी बात है, मुझे एक काम करना है मोबाइल से पापा के तो ठीक है, मगर खैर फिर दोपहर में आना पड़ेगा उस काम के लिए, तो चलें चलते हैं। फजर के बाद ये सारी गाड़ियाँ यहाँ पे आ जाती हैं और ये ज़्यारत क्योंकि ये आपको ज़्यारतों पे लेके जाते हैं, ये सारी ज़्यारतों पे लेके जाते हैं आपको, मगर जो ज़्यारतें सारी जो है ना वो सारी है वो सबा मसाजिद ले जाएंगे, क़िबला तैन ले जाएंगे, औहद के पहाड़ ले जाएंगे, इतनी सी ज़्यारतें करवाते हैं। सबा मसाजिद हो गए, वैसे तो ज़्यारतें बहुत हैं माशाल्लाह से, तो हो सकता है हमें आपको थोड़ी बहुत मैंने कवर तो करी है, हो सकता है थोड़ी सी और आपको वीर दिखाऊं। वीर कहते हैं कुएं को, तो हो सकता है आपको दो तीन कुएं दिखाऊं जाने भी सलाम गए थे, वहाँ क्या क्या बातें होते हैं वो वहीं बताऊँगा।